आज करंज का पौधा लगाया है, वृक्षारोपण का अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी भाई बहनों और बेटा बेटियों को आग्रह करना चाहता हूं। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आज जो संक्रमितों की संख्या आई वो 3000 को पार कर गई। कल ये 2800 कुछ थी। ये समय संकट का समय है, पूरी दुनिया और पूरे देश में महासंक्रमण का दौर चल रहा है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हो गया है, हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जिनकी सीमाएं हमसे लगी है, वहां स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। और कोरोना के संक्रमण की लड़ाई ऐसी है कि इसमें हम सब मिलके ही संकट से लड़ सकते हैं। कभी कभी मानवता पर ऐसे संकट आते हैं जब केवल सरकार के प्रयास काम नहीं करते, जनता को जुटना पड़ता है, समाज को खड़ा होना पड़ता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल भी हर एक जिले की स्थिति का कि मैंने समीक्षा की है। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। जो वस्तुएं लेके ट्रक्स आते हैं, मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं। वो भी हमारे भाई बहन है, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, लेकिन आम आवाजाही बंद होगी।